नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे सर्वोत्तम बुधादित्य योग के बारे में। दोस्तों बीती 16 जुलाई को सूर्य देव राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में पहुंच गए और इसी रात बुध देव ने भी कर्क राशि में प्रवेश कर लिया है। दोस्तों ज्योतिष के अनुसार कर्क राशि में सूर्य का गोचर और बुध का गोचर एक बेहद शुभ योग बना रहा है। कर्क राशि में बुध और सूर्य की युति से वर्गोत्तम बुधादित्य राज योग का निर्माण हो रहा है। यह राजयोग 4 राशि वालों के लिए बहुत ही लाभदायक हो सकता है। दोस्तों बुध 31 जुलाई तक कर्क राशि में रहेंगे और इसी के कारण इन 4 राशियों को बहुत ही तगड़ा लाभ मिलने वाला है। तो दोस्तों बने रहो में हो सकता है आपकी राशि भी इसमें आएगी। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं किन राशियों को इसका लाभ मिलेगा, उनको फायदा होगा। दोस्तों सबसे पहले राशि है मेष राशि। दोस्तों वर्गोत्तम बुधादित्य राजयोग मेष राशि वालों के लिए वाहन संपत्ति खरीदने का योग बना रहा है। इसके अलावा उन्हें नई जॉब का ऑफर मिल सकता है। अगर आप जॉब ढूंढ रहे तो इस समय आपकी ये परेशानी खत्म होगी और आपको नया जॉब बिल्कुल मिल जाएगा। दोस्तों समाज में आपकी मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपको बहुत सारा धन लाभ होने के संयोग यहाँ पर दिख रहे हैं। कोई ऐसा काम होगा जो आपको बहुत ही खुशी देने वाला होगा। साथ ही आपका पारिवारिक जीवन सुख सुविधाएं से परिपूर्ण रहेगा। आपको अपने फैमिली का भरपूर सपोर्ट मिलेगा। इसके बाद दोस्तों दूसरी राशि है कर्क राशि। वर्गोत्तम बुधादित्य राजयोग कर्क राशि वालों को खूब धन लाभ कराएगा। इन जातकों को अचानक पैसा मिलेगा, यानी कि टेबल के नीचे से कैश भी आपको मिल सकती है। हर मामले में किस्मत का साथ आपको जरूर मिलने वाला है। अगर आपके कोई काम रुक गए हैं, पिछले रुके हुए कामों को अभी मार्ग मिलेगा और वह काम बिल्कुल पूरे हो जाएंगे। दोस्तों जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं उनका मुनाफा, उनका फायदा दुगुना से चौगुना हो जाएगा। उन्हें बड़ा ऑर्डर मिल सकता है और साथ ही कर्क राशि वालों का साहस काफ़ी मात्रा में यहाँ पर बढ़ने वाला है। इसलिए दोस्तों कर्क राशि वालों के लिए भी यह राजयोग बहुत ही ज़बरदस्त फायदेमंद होने वाला है। इसके बाद दोस्तों तीसरी राशि है कन्या राशि। दोस्तों कन्या राशि के जातकों को बुध और सूर्य की युति से बना वर्गोत्तम बुधादित्य योग राजयोग का धन लाभ कराएगा। आपकी डेली वेजेस में इनकम में काफ़ी वृद्धि होने वाली है और ये इनकम रुकने वाली नहीं है। आपको ये इनकम बहुत सारा लाभ देने वाली है। ये परमानेंट बढ़ोतरी आपके लिए करेगी। साथ ही दोस्तों आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत होने वाली है। इस समय आपको अप्रत्याशित पैसा भी मिल सकता है, आपको अचानक धन लाभ हो सकता है। दोस्तों इसके साथ ही आपके डेली वेजेस के जितने भी स्रोत हैं वह बढ़ेंगे। आप जिधर जाएंगे वहां से आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा और आपकी आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार आएगा। जो लोग व्यापार करते हैं तो उनके लिए भी यह समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। उनके व्यापार में काफ़ी वृद्धि होगी। व्यापार के लिए आप विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप इस समय इस बुधादित्य योग में आप घर, गाड़ी, वाहन संबंधित आपकी जो भी समस्या है वह दूर हो जाएगी और आप घर, गाड़ी, वाहन या फिर प्रॉपर्टी, खेती, प्लॉटिंग यहाँ तक आप खरीद सकते हैं। इसके भी योग आपके लिए यहाँ पर बनते दिख रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली राशि है तुला राशि। दोस्तों तुला राशि के लिए बुधदेव भाग्य के देवता है, उनको एक राशि भाग्य में मिली हुई है और दूसरी राशि है उनकी द्वादश में। तो दोस्तों इसलिए भाग्य का स्वामी आपके कार्यस्थल पर जा रहा है। और अगर सूर्यदेव की बात करें तो सूर्यदेव आपके लाभेश है, यानी 11वें घर के स्वामी है। और जब भाग्यश और 11वें घर का स्वामी का संयोग होता है तो वहाँ पर लाभ काफ़ी मात्रा में दिखने लगता है दोस्तों, क्योंकि सूर्यदेव आपको लाभ देंगे और बुधदेव यहाँ से आपकी भाग्य का उदय करेंगे। तो दोस्तों वर्गोत्तम बुधादित्य राजयोग तुला राशि वालों को करियर में काफ़ी तगड़ा लाभ देने वाला है। आप करियर में काफ़ी उन्नति करेंगे, आपके सीनियर्स भी आपको बहुत सारा सपोर्ट करेंगे। अगर आप नई नौकरी की तलाश में हैं तो यहाँ पर नई नौकरी मिलने के पूरे योग बन रहे हैं। इसके साथ ही बेरोजगारी आपकी खत्म हो जाएगी। आप अगर नौकरी तलाशते हैं तो नौकरी मिलने के संयोग यहाँ पर बहुत सारे बन रहे हैं। दोस्तों इसके साथ ही आपका सामाजिक स्तर पर
अब समाज में आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आप जो भी बात कहेंगे वह सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल मान जाएगा। इस तरह से दोस्तों आपको सामाजिक मान सम्मान मिलने वाला है। इसके साथ ही अगर आप छोटी मोटी नौकरी करते हैं तो वहाँ पर आपको प्रमोशन इंक्रीमेंट मिलने के पूरे संयोग यहाँ पर बनते दिख रहे हैं। अगर आप राजनीति में सक्रिय लोगों के साथ रहेंगे तो आपको उसका ज़्यादा फायदा होने वाला है। इसलिए दोस्तों जो राजनीति में लोग हैं उनके साथ अच्छी तरह से सुलूक रखें, उनसे बातें करते रहे ताकि आपको लाभ मिल सके। इसके दोस्तों इसके साथ ही कार्यक्षेत्र में आपको मनपसंद जगह मिलेगी, पोस्टिंग मिलेगी और आपको बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे अपने सीनियर्स का साथ मिलने वाला है। इसलिए दोस्तों तुला राशि वालों के लिए भी यह बुधादित्य का योग बहुत ही जबरदस्त लाभ देने वाला है। तो दोस्तों ये थे चार राशियाँ जिनको बुधादित्य योग का जबरदस्त लाभ मिलने वाला है। तो दोस्तों वीडियो पसंद है इसे लाइक जरूर करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबाएं। और दोस्तों अधिक जानकारी के लिए हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ब्लॉग का लिंक दे रहे हैं, उस पर क्लिक करके आप हमारी ब्लॉग पर अवश्य विजिट करें। वहाँ पर आपको आयुर्वेद संबंधित, तंत्र शास्त्र संबंधित, ज्योतिष संबंधित सभी पोस्ट देखने को मिल सकती है, आपके ज्ञान में वृद्धि हो सकती है। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे ब्लॉग पर एक बार विजिट जरूर करें। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत